नमस्कार मित्रों, जय माता। माता रानी की कृपा से फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का दिन क्या कार्य करना है और आपका क्या भाग्यशाली रंग है और क्या रहेगा आपका भाग्यशाली अंक, इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, और इस वीडियो में कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें। साधु बने तो मोह माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे तन। हरि तेरे से सच्चा प्रेम हो जाए तो तभी छूटे सारे मोह माया के बंधन। आज अचानक ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी तथा उनके मार्गदर्शन में कई मुश्किलें का निवारण होगा। रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी समय व्यतीत होगा। पुराने मित्रों के साथ मेलजोल खुशनुमा यादों को ताजा करेगा। किसी निकट संबंधित के स्वास्थ्य को लेकर मन उदास रह सकता है। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचे क्योंकि चुकाना मुश्किल होगा। बच्चों की पढ़ाई के प्रति लापरवाही रहेगी, इसलिए उस धन का ध्यान देना आवश्यक है। करियर से जुड़ी समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। आप अपनी व्यवहार कुशलता से नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। नौकरी में टारगेट पूरा न होने की वजह से बॉस की अधिकारियों की डांट फाट कर सुननी पड़ सकती है। बच्चों की किसी समस्या को लेकर चिंता रहेगी। बेहतर होगा कि आप आपसी सूझबूझ से समस्या का हल निकालें। अत्यधिक काम की वजह से सर्वाइकल तथा गर्दन में दर्द जैसी समस्या रहेगी। व्यायाम में भी कुछ समय लगाएं। आपका भाग्यशाली रंग होगा नीला और आपका भाग्यशाली अंक होगा 6। यदि परिवार में अधिक वाद विवाद बढ़ रहे हैं तो घर की ऊर्जा में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। आपको आज नए नए विचार आ सकते हैं, लेकिन सभी विचार उपयुक्त तो नहीं होंगे। इसलिए जो बातें मन के बार बार आ रही है उन बातों की तरफ अधिक ध्यान देकर उस पर काम करने की आवश्यकता होगी। काम की जगह सहकर्मियों के साथ वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पार्टनर के साथ हो रहे मतभेदों को दूर करने की कोशिश करें। दिन भर आज चिड़चिड़ापन महसूस होगा। नौकरी पैसा, महिलाओं को ऑफिस में समस्या आ सकती है। शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य दुखी कर सकता है। अपनी भावनाओं पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। सफेद रसदार मिठाई दान करें। भावनात्मक संबंध सुख दें। दूर के किसी रिश्तेदार का आना हो सकता है, उससे संबंधित कोई काम पड़ सकता है। नाक कान गले और खास ध्यान दें। हनुमान जी की मीठा पान चढ़ाएं। तुलात्मक रूप से दूर की यात्रा हो सकता है, इसकी योजना तय हो सकती है। विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। सांस संबंधी समस्या है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। पितरों के नाम से सार्वजनिक रूप से पेयजल की व्यवस्था करवाएं। प्रेम संबंध में जल्दबाजी से बचें। विवाह संबंधी निर्णय लेना तो आगे के लिए टाल दें। ऑफिस में वातावरण सुखद रह सकता है। जल में जो वह काले तिल डालकर पीपल में चढ़ाएं, वह देसी घी का दीपक जलाएं। कपड़ों के रिटेल कारोबारियों में कॉस्मेटिक्स के व्यापारी को हर कदम फूक फूक कर उठाना होगा। माइग्रेन से पीड़ित है तो आज इस ओर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। धन के अटकाव दुखी का सकता है। वटुक भैरव से सिंदूर की नमकीन चढ़ाएं और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। घर के नवीकरण अथवा रखवा संबंधित योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। किसी सामाजिक गतिविधि में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होने से मान सम्मान बढ़ेगा। अगर घर या
वाहन से संबंधित खरीदारी की योजना बन रही है तो उसके लिए समय अनुकूल है, परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम और संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें पारिवारिक के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अपने व्यापार और विचार में बदलाव लाने के लिए आत्मचिंतन करें। आज कार्य क्षेत्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कत महसूस होगी। बेहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा अभी वार्तालाप पर की ध्यान दें। नौकरी, पैसा, लोगों को किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्य आपस में प्रतिफुल्लित तथा खुश रहेंगे। आपको द्वारा बनाई हुई हर योजना में कुछ ना कुछ तकलीफ आपको हो सकती है, इसलिए योजना को परिस्थिति के अनुसार बदलने रहना आपके लिए आवश्यक होगी। जिम्मेदारी चाहे पारिवारिक से संबंधित हो या काम के संबंधित हो, आपके अकेले से पूरी हो पाना आज मुश्किल हो सकता है। दूसरे की मदद लेने की आवश्यकता होगी। सोने से संबंधित व्यवहार सतर्कता रखकर करें। पार्टनर के द्वारा मिले हुए सुझाव की वजह से आपका फायदा हो सकता है। आपकी क्षमता से अधिक वक्त काम करना आपके लिए तकलीफ हो सकता है। आपके द्वारा बनाई गई हुई हर योजना में कुछ ना कुछ तकलीफ आपको दे सकती है, इसलिए योजना की परिस्थिति के अनुकूल बदलने रहना की रहन आपके लिए आवश्यक होगी। जिम्मेदारी चाहे आज का अचानक ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी तथा उसके मार्गदर्शन से कई मुश्किलें का निवारण होगा। रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य का पढ़ने में भी समय में व्यतीत होगा। पुराने मित्रों के साथ मेलजोल कर खुशनुमा यादों को ताजा करेगा। किसी निकट के संबंधी स्वास्थ्य को लेकर मन उदास रह सकता है। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचे, क्योंकि चुकाना मुश्किल होगा। बच्चों की पढ़ाई प्रति लापरवाही रहेगी, इसलिए उन पर ध्यान देना आवश्यक है।